हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्लाउज की पेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, 14 इंच शोल्डर है, 5 इंच आर्महोल है, 5.5 इंच, और ये ब्लाउज 34 साइज पे है, 34 साइज पे, 34 का 1/4 लेंगे, 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए, कमर का 1/4 लेंगे, 1 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए, गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच, और गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच, और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। निशान को बराबर में इस तरह से मिला देंगे और फिर ऊपर से भी निशान को इस तरह से मिला देना है, और इस पर अब हम गले की शेप दे देंगे। तो इस तरह से देखिए, नीचे से राउंड में और साइड से देखिए, इस तरह से कुछ डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। इस निशान पर अब हम कटिंग करेंगे, तो गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और अब मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे, ऊपर से अस्तर कपड़े को रखेंगे और बराबर में इस पर पिनअप कर लेंगे, और गले पे एक पैर का मार्जिन या फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। गले की सिलाई मैंने लगा दिया है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है, और अब जो सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो मैंने देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है, अब पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। पूरे गले पर मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिया है, अब अस्तर कपड़े को इस तरह पलट लेना है और फिर अस्तर कपड़े के ऊपर से ही टॉप स्टिच लगानी है। तो आप देख सकते हैं पूरे गले पर मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और अस्तर कपड़े को उल्टे तरफ पलट लेंगे, और अब गले पर फिनिशिंग की सिलाई कर देनी है इस तरह से। पूरे गले पर कॉर्नर की सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गले पर मैंने सिलाई लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और फिर अब ब्लाउज वाले पार्ट को उल्टे तरफ पलट लेंगे, और अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ब्लाउज वाले पार्ट को उल्टे तरफ पलट लेंगे और साइड से सिलाई करते हुए दोनों फेब्रिक को ज्वाइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, इसी तरह से बाकी सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करेंगे। तो मैंने चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है, अब इस पर टक्स की सिलाई करेंगे। साइड से इस तरह से सेंटर की ओर फोल्ड करेंगे और टक्स की सिलाई करेंगे। टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखनी है, 4.5 इंच, और इसी तरह से आप दूसरे साइड से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर की ओर, और टक्स की सिलाई करेंगे। दोनों तरफ टक्स की सिलाई मैंने कर लिया है। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लेंगे। कमर पट्टी की एक साइड से फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई कर लिया है। कमर पट्टी को बैक पार्ट के ऊपर से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। कमर पट्टी को इस तरफ पलट लेंगे और कमर पट्टी के ऊपर से ही एक टॉप स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और अब कमर पट्टी को उल्टे तरफ पलट लेना है और इसे फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर तुड़पाई कर सकते हैं या फिर रफ स्टिच भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर रफ स्टिच लगाया है। बैक पार्ट की सिलाई हमारी हो चुकी है, तो इसे करते हैं साइड। अब हम डिज़ाइन के लिए स्क्वायर पीस लेंगे। स्क्वायर पीस की लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से 3 इंच है, 3 इंच, और इसे कॉर्नर से देखिए किसी चीज़ से हम फोल्ड करेंगे और छोटे छोटे चुन्नट इस पर इस तरह से कॉर्नर से लगाएंगे। तो ये डिज़ाइन को आपको समझ में आ रही होगी, ये डिज़ाइन हमें किस तरह से बनानी है। इसी तरह से हम सारे डिज़ाइन को बना लेंगे। जितने भी ब्लाउज में ज़रूरत होगी डिज़ाइन के लिए, उतने डिज़ाइन हम बना के अलग से रख लेंगे। अब जो साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन बन चुकी है, इसी तरह से हम सारे डिज़ाइन को बना लेंगे। तो देखिए मैंने कुछ डिज़ाइन अलग से बना लिया है, और अब हम लेंगे एक पट्टी। पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है, और इसे देखिए दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और सेंटर से और एक बार फोल्ड करेंगे और कॉर्नर से सिलाई करेंगे। तो ये डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह से बनानी है, दोनों साइड से पट्टी को फोल्ड करना है और एक बार सेंटर से फोल्ड करेंगे। एक साइड से जैसे हमने सिलाई लगाई है उसी तरह से अब पट्टी के दूसरे तरफ से भी सिलाई लगाना है इस तरह से। तो देखिए दोनों तरफ से सिलाई मैंने लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। अब पट्टी को डिज़ाइन के लिए कट करना है, तो 1.5 इंच की लंबाई रखते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से,
और पूरे पट्टी को इसी तरह से 1.5 इंच लेते हुए कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे पट्टी को मैंने कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज वाले पार्ट को लेंगे और देखिए जो हमने लूप्स बनाई है लूप्स को ले लेना है और गले के ऊपर से 1 इंच की गैपिंग हमें छोड़ देना है और फिर देखिए एक एक लूप्स को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और 1 इंच का गैपिंग छोड़ने के बाद हम एक एक लूप्स को इस तरह से थोड़े थोड़े दूरी पर छोड़ते हुए जगह को गैपिंग को छोड़ेंगे और फिर एक एक लूप्स को हमें सिलाई करके ज्वाइंट करेंगे। लूप्स के सेंटर पे थोड़े थोड़े गैपिंग हमें छोड़ देना है और फिर देखिए लूप्स को फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई करते हुए इसे गले पर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए एक साइड से हमने सिलाई लगा दिया है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और अब देखिए साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है तो इसे भी कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब जिस तरह से हमने इस साइड लूप्स को लगाया है इसी तरह सब इस साइड भी हम लूप्स को सारे लगा लेंगे। तो दोनों तरफ लूप्स को मैंने लगा दिया है। अब ब्लाउज वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से देखिए चौक से हमें निशान लगाना है। बराबर में इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे और फिर ब्लाउज वाले पार्ट को इस तरह से खोल लेना है और दूसरे तरफ को पलट लेना है और हाथ से इस तरह से हम प्रेस करेंगे ताकि जो हमने निशान लगाया है वो दूसरे तरफ भी आ जाए। तो देखिए निशान दूसरे तरफ भी आ गया है तो इसे डार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब हम लेंगे दूसरी वाली डिज़ाइन जो और एक डिज़ाइन हमने बनाई है। इस वाले डिज़ाइन को देखिए एक एक करके बिल्कुल निशान के ऊपर से रखेंगे और एक एक डिज़ाइन को बिल्कुल चिपकाते हुए निशान के ऊपर से इसे ज्वाइंट करेंगे। बिल्कुल भी गैपिंग नहीं छोड़नी है, बिल्कुल चिपकाते हुए सारे डिज़ाइन को निशान के ऊपर से सिलाई करते हुए ज्वाइंट करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने सारे डिज़ाइन को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे कट कर लेंगे। पूरे डिज़ाइन पे इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे डिज़ाइन को एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो पहले देखिए ऊपर की साइड हमें लेस को इस तरह से लगानी है। तो आप देख सकते हैं ऊपर के साइड हमने लेस को लगा लिया है और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। और अब हम जो शोल्डर वाले तरफ है इस तरफ लेस को लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन की लेस को लिया है, आप चाहे तो सेम लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन की लेस लिया है और इसे देखिए इस तरह से पहले ज्वाइंट करेंगे और एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे और इसी तरह सब दूसरे वाले साइड भी, शोल्डर के दूसरे वाले साइड भी हमें लेस को लगा लेना है। दोनों तरफ मैंने लेस को लगा लिया है। अब जो हमने नीचे का साइड डिज़ाइन बनाया है इस वाले डिज़ाइन पर भी लेस को लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए लेस को पहले रखना है कॉर्नर पे। ध्यान रहे जो कॉर्नर है डिज़ाइन की बिल्कुल डिज़ाइन के ऊपर ही पड़े और फिर पूरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लेस को अच्छे से घुमाते हुए लेस को अटैच करेंगे, सिलाई करते हुए ज्वाइंट करेंगे और फिर एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने लेस को अच्छे से लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा लेस है इसे कट कर लेंगे और इस पर अब हम मोती अटैच करेंगे। तो मैंने मीडियम साइज़ के मोती लिया है, हैंड स्टिच करते हुए सारे फ्लावर के सेंटर पर मोती को अटैच करेंगे। जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है डिज़ाइन के सेंटर पर बिल्कुल हमें इस तरह से हैंड स्टिच करते हुए मोती को अटैच करना है। इसी तरह से अब हम बाकी सारे डिज़ाइन पर भी मोती को अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे सिलाई करते हुए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे डिज़ाइन के सेंटर पर मोती को अटैच कर दिया है और चाहे तो आप सेंटर पर कोई भी सो बटन लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए कोई भी सो बटन आप सेंटर पे लगा सकते हैं, सिलाई करते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे। आज की ये हमारी ब्लाउज़ की डिज़ाइन रेडी है। ये हमारी सिंपल सी ब्लाउज़ की डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।